मनीष सिसोदिया को रविवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उनसे 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ चली। सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाए और आखिरकार उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन बात आज दिल्ली की नई शराब नीति की। आखिरकार क्या है ये नीति जिसमें फंस गए मनीष सिसोदिया और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति 2021-22 से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया और दिल्ली सरकार इससे पूरी तरह बाहर आ गई। दिल्ली में कुल 32 जोन हैं और एक जोन में अधिकतम 27 दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन दिल्ली में शराब की कुल 849 दुकानें खोली गई। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। ये भी दावा किया गया कि इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए। कहां सरकार ने राजस्व बढ़ने का दावा किया था और कहां नुकसान उठाना पड़ गया। 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ। कैबिनेट नोट में इसकी वजह बताते हुए कहा गया कि थोक और खुदरा कारोबारियों ने लाइसेंस लौटा दिए थे जिसकी वजह से राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 1485 करोड़ रुपयों का राजस्व मिला जो बजट अनुमान से 37.51% कम था। अप्रैल 2022 के बाद हर महीने राजस्व में लगभग 194 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ। नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद राजस्व के नुकसान को लेकर दिल्ली सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ गई, लेकिन इस नीति में गड़बड़ी का आरोप सबसे पहले लगाया केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने। नरेश कुमार उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपते हैं और इस रिपोर्ट में ही मुख्य सचिव ने एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और केंद्रीय एजेंसी ने अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मामले में गिरफ्तार कर लिया। तमाम विवाद, आरोप प्रत्यारोप, राजस्व के नुकसान और सीबीआई जांच के बाद दिल्ली सरकार ने अपने कदम वापस खींचे और 1 सितंबर 2022 से पुरानी शराब नीति को फिर से लागू कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।